अगर आप लोग चाहें तो आपका कर्ज भी चुक जाएगा और इसकी शादी भी हो जाएगी। जी, कैसा तरीका? सुलक्षणा जी, शादी मुझसे करवा दीजिए। मंजूर है? पाओ कबर में लटके हैं आपके और आप शादी के ख्वाब देख रहे हैं। ये बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुलक्षणा की उम्र की पोतियां है आपकी। अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना आपने तो मैं आपकी आंखें फोड़ दूंगी। भलाई का जमाना नहीं रहा। एक तो मेरे पैसे खाके बैठे हुए हैं, ऊपर से पैसे मांगने आ रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं। इस बात की सजा तो मैं तुमको दूंगा, जरूर दूंगा। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा मकान चाहिए। मकान आज से ठीक 10 दिन के अंदर। अगर तुम्हारे पति ने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा मकान मैं जब्त कर लूंगा, समझी? सड़क पर लाकर छोड़ूंगा। जी, ये दीवार इसमें कुछ तो है। मैं भी आया। मिल गई सिगड़ी। इसमें क्या है? किसकी चिट्ठी है? ये तुम्हारे आई बाबा की चिट्ठी है जो उन्होंने एक दूसरे को लिखी थी। तुम्हें याद है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी आई को लिखना सिखाया था और उन्होंने मुझे बचपन में अध्यापक बनने के लिए प्रेरित किया था। आगे पढ़ो। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में जिसे पढ़कर तुम भावुक हो गए? जब तुम छोटे थे तो एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे
ठीक ही नहीं हो रहे थे, तभी काकी ने हमारी कुल देवी से मन्नत मांगी थी कि इस मुश्किल घड़ी से छुटकारा मिल जाए तो वो देवी के गढ़ जाकर उन्हें चांदी की चुंदरी अर्पित करेगी और गांव के गरीबों को रजाइया दान में देंगी। हाँ, मुझे याद है, आई ने अपने अंतिम दिनों में बताया था। आई हमेशा दुखी रहा करती थी। अस्वस्थ होने के कारण आई कुल देवी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आई ने कभी ये नहीं बताया कि वो क्या मन्नत मांगी थी। अच्छा हुआ आज पता चला। भाऊ, मैं अपनी आई की मन्नत जरूर पूरी करूंगा। वैसे भी साईं बाबा की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, और आई की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। ठीक कहा पापा जी, मैं भी यही सोच रहा था। पर भाऊ, हमारी कुलदेवी है कौन? आई सप्तश्रृंगी। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई, ओम साई, ओम। राम जी भला करें। ईश्वर की माया भी निराली है, समय रहते लोगों को सही रास्ते पर पहुंचाने का इंतजाम वो कर ही देता है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या बात है तात्या, परेशान क्यों? मैं अभी पुणे से आ रहा हूं साईं। पुणे के पास एक गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, रामजी काका। आप जानते हैं उन्हें? कभी मिले नहीं है। मैं भी आपसे क्या पूछ रहा हूं साईं, आपसे कौन छुपा है? आप तो सबका हाल जानते हैं, फिर रामजी काका तो आपके भक्त हैं। सालों पहले मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था, बस अभी से आपके भक्त हो गए वो। फिर मैंने परी से कहकर आपका एक चित्र भी बनवाया था उनके लिए, और यहाँ की मिट्टी भी दी थी उन्हें। ये समझ लीजिए कि आप ही उनके जीवन का केंद्र बन गए हैं, हर समय बस आप ही का ध्यान करते रहते हैं। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। साई, पिछले कई सालों से रामजी काका को शिरडी आकर आपके दर्शन करने का बहुत मन है, लेकिन किसी ना किसी काम में फंसे रहने की वजह से वो नहीं आ पाए, और इसका बहुत दुख रहता है उन्हें। कोई बात नहीं तात्या, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, और वैसे भी जीवन में हर काम सही समय आने पर ही होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता साईं कि काका का वो समय कभी आ पाएगा, क्योंकि क्योंकि वो तो अभी यहां कभी आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? पिछले कुछ महीनों से काका बहुत दर्द, बहुत तकलीफ में है साईं।
साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। काका की गर्दन के पीछे एक बहुत बड़ा जख्म हो गया है। लाख दवाइयां की लेकिन लेकिन कोई असर नहीं। अब तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। बस आप ही का नाम ले लेकर मौत की दुआ मांग रहे हैं वो। इसीलिए पुणे से आया, तो उनकी चिंता साथ लेकर आया साईं। बहुत बुरे हाल में है मेरे काका। साईं, मैं उनके लिए थोड़ी सी उदी लेकर जाना चाहता हूं। इस तरह आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचेगा और उन्हें शक्ति मिलेगी। साईं, उदी की जरूरत नहीं पड़ेगी तात्या। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, साई ओम साई, साई प्रभु, दाता कहता है आप परम ब्रह्म हैं, फिर आप मेरी पीड़ा से अनजान कैसे हैं। मैंने बहुत सुखी जीवन जिया है, मैं अब ये दर्द सहन नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे सांसारिक सुख को त्याग कर आपके चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कहीं जाने से पहले हजामत तो बनवा लीजिए बाबूजी। मुझे नहीं बनवानी हजामत। हजामत के साथ मालिश मुक्त है बाबूजी, सिर्फ आपके लिए। चुस्ती फुर्ती और चमक आ जाएगी आपके शरीर में। अरे बेटा, जो भगवान के घर जाने की कामना रखता है उसके लिए हजामत और मालिश किस काम की। भगवान को भी अच्छा लगेगा आपको साफ सुथरा देखकर, चुस्त तंदुरुस्त चमकदार देखकर। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। बोनी नहीं हुई बाबूजी। दो पैसे मिलेंगे तो मेरे परिवार वाले दो निवाले खाकर आपको दुआ देंगे। बेटा, मेरे गर्दन में घाव है। उसकी चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, बल्कि मेरे मालिश से जब खून में रवानी आएगी ना, तो घाव को भी आराम मिलेगा। अपने भले के लिए ना सही, इसकी बोनी करा के इसके परिवार का तो भला कर सकता हूं। आ जाओ बेटा। बापूजी आप शांति से बैठिए, कुछ नहीं होगा। पता चला कुछ हो गया ना? अब मैं मालिश कर देता हूँ बाबूजी आपकी। ध्यान से बेटा, मेरी गर्दन पे घाव है। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए। बाबूजी आप आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा आपको। ओम साई राम, ओम साई राम। आ,
राम का एक ही धागा ले जाएगा पार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। अंधियारे हर पथ पे बंदे, साई करे उजाला, हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला, हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला। अरे वाह, तेरे हाथों में तो कमाल है बेटा, बहुत महीनों के बाद आज थोड़ा आराम मिला है। क्या इनाम दूं तुझे? बाबूजी, आपको आराम मिला इसी में मेरी खुशी है, यही मेरा इनाम है। से गर्दन घुमाने पे जान निकल जाती थी, लेकिन आज दर्द क्यों नहीं हुआ? ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई। बाबूजी क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पैसा लेके आता हूं। कहां गया है बेटा? कहां हो तुम बेटा? बेटा जिस तरीके से किसी ने तुम्हारी मदद की, वैसे ही तुम भी किसी और की मदद करो। अब तो ठीक हो गए हो, शिरडी आना। साई, साई खुद चल कर आए। पीड़ा दूर कर दे साई, सब कुछ चल कर आए हैं। हे साई, ये कैसा रिश्ता है आपका भक्तों से, ये कैसी कृपा है आपकी भक्तों पर। जिस भक्त को आपने कभी देखा नहीं, जो भक्त कभी आपकी शिरडी में आया नहीं, उस भक्त की पीड़ा दूर करने के लिए आप दूर आए। आपने खुद आकर मुझे न्योता दिया है साई, मैं शिरडी जरूर आऊंगा, मैं शिरडी जरूर आऊंगा। अगर मैं शिरडी नहीं आया तो मेरी ये जीवन यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम,
ओम साई राम, ओम साई राम। जानता है कि हम उसके पैसे 10 दिनों के अंदर नहीं दे सकते, इसी बात का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वो नीच। हमें बेइज्जत करना चाहता है, वो हमारा घर हड़पना चाहता है। मैंने तो सोचा था कि अब हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। आई सप्तश्रृंगी के निर्देश पर मैं भोले बाबा के दरबार में हाजिरी भी लगा कर आ गया, पर यहां तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। न मन शांति मिली, न ग्रह शांति। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राम जी भला करें। साई, जब हम घर पहुंचे तो हमें पता चला कि सिगड़ी मंगाने के पीछे आपकी क्या मंशा थी। साफ सफाई के दौरान मुझे आई की एक चिट्ठी मिली, और जब माधव ने वो चिट्ठी पढ़ी तो हमें एहसास हुआ कि सिगड़ी मंगाना तो एक माध्यम था। आप मुझे आई की अधूरी इच्छा तक पहुंचाना चाहते थे, मुझे स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। बाबा जी, स्वस्थ वातावरण स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन का आधार है। साई, हमने अपनी आई की मन्नत पूरी करने का फैसला किया है। मालिक तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी दे। राम जी भला करें।